कलयुग के वो पांच गुरु जिनकी घर घर होती है पूजा। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं उन गुरुओं की जिन्हें कलयुग में भगवान माना जा चुका है, चाहे फिर वो सदगुरु हो या अनिरुद्धाचार्य महाराज हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि आखिर कौन है ये गुरु, इन्हें ये उपाधि कैसे मिली, चलिए जानते हैं। सबसे पहले अगर बात करें सदगुरु की तो जग्गी वासुदेव, जिन्हें पूरी दुनिया सदगुरु के नाम से जानती है, एक योगी हैं, लेखक, कवि, दिव्यदर्शी और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वक्ता हैं। उनके भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में करोड़ों अनुयायी हैं और उनके द्वारा संचालित ईशा फाउंडेशन से लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सदगुरु का जन्म 3 सितंबर 1957 को मैसूर में हुआ था। उनके पिता भारतीय रेलवे में नेत्र रोग विशेषज्ञ थे और अपने पिता की सरकारी नौकरी के कारण वो अक्सर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। बचपन में ही उन्हें प्रकृति और रोमांच से प्रेम था। वो बार बार जंगल की ओर भागते और घंटों प्रकृति के बीच समय गुजारा करते थे। उनका जीवन पूरी तरह से तब बदला जब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि उन्हें अपने जीवन और जिम्मेदारियों का पुनर्मूल्यांकन करना है। दरअसल सदगुरु जब 25 साल के हुए तब उन्होंने किसी असामान्य घटना के कारण अपने जीवन में सुखों का त्याग कर दिया था। उम्र के इस पड़ाव में उन्होंने चामुंडी पर्वत की चढ़ाई की और वहां किसी विशाल पत्थर पर जाकर बैठ गए और वहां से उन्होंने आध्यात्मिक अनुभव लेना प्रारंभ किया। इसके बाद जग्गी वासुदेव ने अपना व्यवसाय अपने एक मित्र पर छोड़ दिया और रहस्यमय अनुभव प्राप्त करने के लिए अपनी व्यापक यात्रा पर निकल पड़े। 1983 में उन्होंने मैसूर में योग कार्यक्रम चलाए। उनकी प्रथम श्रेणी में केवल 7 प्रतिभागी थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। समय बीतता गया और वो जीवन के प्रति अपने अलग दृष्टिकोण की वजह से लोगों के बीच प्रसिद्ध होने लगे। फिर 1992 में उन्होंने योग कक्षाओं की पेशकश करने और लोगों को अंतरात्मा से मिलाने के लिए ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। अब उनका ये फाउंडेशन इतना लोकप्रिय है कि भारत के साथ साथ वो अन्य देशों में भी जाकर लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज दोस्तों सदगुरु की तरह ही ये एक दूसरे गुरु हैं। मथुरा के प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, आपने भी इनकी कई वीडियोस को YouTube पर देखा होगा। और जो इन्हें नहीं जानते उन्हें बता दें कि ये आध्यात्मिक गुरु एक प्रेरक वक्ता हैं, जिनका जन्म 27 सितंबर 1989 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। अनिरुद्धाचार्य जी अब तक हजारों कथाएं और प्रवचन देश विदेश में कर चुके हैं। अभी के समय में वो सबसे जल्दी और ज्यादा ख्याति प्राप्त करने वाले धार्मिक गुरुओं में से एक हैं, जिनके करोड़ों अनुयायी हैं। अनिरुद्धाचार्य जी अपने प्रवचन और भजन के माध्यम से लोगों को अपने धर्म के सिद्धांत और उनके विचारधारा के बारे में जानकारी देते हैं। इसके अलावा वो लोगों की परेशानियों को भी हल करने का काम करते हैं, साथ ही उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। वो सभी को मोह और लाभ से बाहर निकालने का उपाय बताते हैं, साथ ही हिंदू धर्म के बारे में भी लोगों को ज्ञान देते हैं। मित्रों अगर अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के परिवार की बात करें तो उनके परिवार में कुल मिलाकर 6 लोग हैं, जिनमें से उनकी पत्नी, 2 बच्चे और उनके माता पिता है। देवकी नंदन ठाकुर कलयुग के प्रसिद्ध गुरुओं में से तीसरे स्थान पर नाम आता है देवकी नंदन ठाकुर जी का। 12 सितंबर 1978 में मथुरा में जन्मे देवकी नंदन ठाकुर एक प्रसिद्ध हिंदू पुराण कथावाचक, गायक और आध्यात्मिक गुरु हैं, जो 1997 में श्रीमद् भगवत कथा, श्री राम कथा, देव भगवत, शिव कथा, भगवत गीता इत्यादि पर प्रवचन दे रहे हैं। 2015 में इन्हें यूपी रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। देवकी नंदन ठाकुर को आध्यात्मिक और साथ ही वैदिक ज्ञान भी प्राप्त है। जब वो 13 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने सदगुरु के आशीर्वाद से श्रीमद् भगवत पुराण को सीख लिया था। भगवान राम कथा और भजन संध्या उनकी विशेषता है। उनके शब्द प्रभावशाली और प्रतिशील दुनिया भर में बड़ी मात्रा में लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ पर भी ये बता दें कि महाराज जी का विवाह हो चुका है। उनकी पत्नी का नाम अंध माता और पुत्र का नाम देवांश है। साध्वी जया किशोरी प्रसिद्ध गुरुओं में अब बारी आती है साध्वी जया किशोरी की, जिन्हें लोग किशोरी जी के नाम से भी जानते हैं। जो लोग जया किशोरी के बारे में नहीं जानते उन्हें बता दूं कि वो एक प्रसिद्ध कथावाचक और भजन गायिका हैं, जो अपने आध्यात्मिक वचन के लिए जानी जाती हैं। जया किशोरी का जन्म 13 जुलाई 1995 में हुआ था और वे राजस्थान की रहने वाली हैं। जब साध्वी जया किशोरी महज 7 वर्ष की थी उन्होंने ठाकुर जी के भजन गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कोलकाता में बसंत महोत्सव के दौरान सत्संग में गाना भी गाया था, जिसके बाद से वो इतनी प्रसिद्ध हो गई कि लोग उन्हें जानने लगे। सिर्फ 9 साल की उम्र में ही जया ने संस्कृत में लिंगाष्टकम, शिव तांडव स्त्रोतम, रामाष्टकम आदि कई स्त्रोतों को गाना शुरू कर दिया था। फिर 10 साल की उम्र में इन्होंने अकेले ही सुंदरकांड किया, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया। जया किशोरी ने फिलहाल विवाह नहीं किया है और उनके देश विदेश में करोड़ों अनुयायी हैं, जो उनके दर्शन करने और ज्ञान प्राप्त करने उनके कार्यक्रमों में आते रहते हैं। मुरारी बापू, अब बात मुरारी जी बापू की आती है, जिन्हें हजारों करोड़ों लोग अपना गुरु मानते हैं और उनसे दीक्षा
और ज्ञान प्राप्त करते हैं। जो मुरारी बापू के बारे में नहीं जानते उनको बता दूं कि वो रामचरितमानस के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं और उन्होंने 50 वर्षों तक रामकथा का पाठ भी किया है। 25 सितंबर 1946 में गुजरात के महुआ में हुआ था और इनका असली नाम मुरारी दास प्रभुदास हरियाणी है। इनके अनुयायी कहते हैं कि मुरारी जी के बोलने की कला ही उनकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण ताकत है, जिसके माध्यम से आज उन्होंने संपूर्ण दुनिया के सभी धर्मों को एक साथ जोड़े रखा है और यही कारण है कि लोग बहुत दूर दूर से उनके भजन कीर्तन सुनने के लिए आते हैं। दोस्तों, ये थे कलयुग के वो 5 प्रसिद्ध गुरु जिनके लाखों करोड़ों अनुयायी हैं। आप इनमें से किसके साधक हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।